रूस में मारा गया पुतिन का सबसे बड़ा विरोधी। अमेरिका ने रूस को दी कड़ी चेतावनी। क्या अमेरिका और रूस के बीच विनाश लीला देखने को मिलने वाली है, क्योंकि पुतिन के सबसे बड़े विरोधी की मौत ने इस सवाल को जन्म दे दिया है, जिससे अमेरिका बौखला गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। वो जो पुतिन को धमकी देता था, वो जो पुतिन के विपक्ष में खड़ा होता था, आज उसकी मरने की खबर आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है और आखिर इसके मरने से अमेरिका क्यों बौखलाया हुआ है, तो उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। दरअसल पुतिन के सबसे बड़े विरोधी का नाम है एलेक्सी नवलनी, जिसकी 16 फरवरी को मौत हो गई। मरने से एक दिन पहले नवलनी रूस की जेल में था, जो ऑनलाइन सुनवाई में भी नजर आया था। और इसलिए अमेरिका ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि नवलनी की मौत हो गई, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने नवलनी की मौत के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। बाइडन ने कहा है कि नवलनी की मौत की खबर सुनकर गुस्सा आया, उनकी मौत के लिए सिर्फ पुतिन ही जिम्मेदार है। नवलनी के साथ जो हुआ वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की क्रूरता का सबूत है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 16 फरवरी की शाम को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे बड़े विरोधी एलेक्सी नवलनी की जेल में मौत हो गई थी। रूस के जेल अधिकारियों ने कहा था कि एलेक्सी नवलनी की तबीयत खराब थी, वो शाम को टहलकर वापस लौट रहे थे, जिसके बाद उनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद नवलनी बेहोश होकर गिर गए थे और फिर उनकी मौत हो गई। नवलनी को 2021 में 19 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। इस दौरान बाइडेन से पूछा गया था कि अगर नवलनी की मौत हो जाती है तो क्या होगा। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा था कि नवलनी की मौत का नतीजा रूस के लिए विनाशकारी होगा। 16 फरवरी को नवलनी की मौत की खबर सुनने के बाद बाइडेन ने कहा कि जेल में रहकर भी नवलनी सच्चाई के लिए आवाज उठा रहे थे, जिसके बाद ये साबित होता है कि नवलनी की हत्या की गई है और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही हैं। दरअसल नवलनी रूस की सबसे खतरनाक जेल पोलर वुल्फ में कैद थे। 2 महीने पहले यानी दिसंबर में उनके पोलर वुल्फ जेल में कैद होने की बात सामने आई थी। आर्कटिक की जिस जेल में उन्हें रखा गया था, वहां पारा -28 डिग्री तक जाता है। उनके वकील ने कहा था कि उन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए आर्कटिक की जेल में भेजा गया। रूस में 15 से 17 मार्च को चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव के दौरान वो पुतिन के सामने आते, इसलिए उनको जेल में मार डाला गया। खैर, अभी नवलनी की मौत पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि नवलनी आखिर कौन था और कैसे पुतिन का सबसे बड़ा विरोधी बन गया। कौन है नवलनी, कैसे बना पुतिन का विरोधी? 2011-12 में विपक्षी नेता के रूप में नवलनी उभरे थे। 2017 में पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कई बार जेल भी गए। 2017 में विपक्ष के नेता के रूप में नवलनी इतने मशहूर हुए कि उनको जहर देने की कोशिश की गई। 2019 में उनके संगठन एंटी करप्शन फाउंडेशन को विदेशी एजेंट घोषित कर दिया गया। नवलनी ने पुतिन के शासन को झूठा बताया तो उनके ऑफिस पर रेड डाली गई। 2021 में कई मामलों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल नवलनी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के खिलाफ जेल से ही अभियान चलाया। अगस्त में सजा सुनाए जाने के बाद नवलनी ने कहा था कि सालों की यह सजा उनके लिए मायने नहीं रखती। 2023 में रूस के एलेक्सी नवलनी पर बनी डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता था। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम नवलनी है। खैर, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर नवलनी कौन है और पुतिन के खिलाफ आखिर वो क्यों थे। लेकिन अब अमेरिका क्या करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका नवलनी की मौत से बौखलाया हुआ है और अमेरिका ने कहा था कि नवलनी की मौत का नतीजा रूस के लिए विनाशकारी होगा। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अब अमेरिका क्या रूस के खिलाफ कुछ करने वाला है, क्योंकि रूस और अमेरिका हमेशा से ही एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। और ऐसे में क्या अमेरिका रूस के खिलाफ कोई मौका ढूंढ रहा है ताकि रूस को चारों खाने चित किया जा सके, ये बड़ा सवाल है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।